आजकल प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के कई भ्रांतियां हैं। कई लोग सोशल मीडिया में जा करके वहां से देख करके किसी से भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी मनाया जा रहा है, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं आखिरकार प्लास्टिक सर्जरी के तहत किस तरह की सर्जरी होती है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के प्रोफेसर और बर्न्स एंड प्लास्टिक सेंटर के चीफ डॉक्टर मनीष सिंघल हैं और डॉक्टर राजा तिवारी हैं, दोनों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएंगे कि आप लोग ने प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में जितनी प्लास्टिक सर्जरी की प्रोसीजर हम लोग सारे करते हैं। हम लोग हाथ जो उंगलियाँ जुड़ी होती हैं, बच्चों की जो तालू कटी होती है, इसे लेकर जो ब्रेकल प्रेक्सिस की इंजरी है, हाथी पाँव है, हाथी पाँव से लेकर जो अब मैं कॉस्मेटिक सर्जरी पे आऊँ तो लाइपोसक्शन है या हेयर ट्रांसप्लांट है या PRP की जो प्रोसीजर सोचते हैं आप आज की तारीख में, इससे लेकर जितने भी या स्कार को हम करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी सर्जरी हम डिपार्टमेंट में करते हैं आज की तारीख में। लोग प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे कहते हैं कि सुंदर होना, अच्छा दिखना, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, चाहे हम बॉलीवुड की बात करें या किसी भी सेक्टर के लोग बात करें, इसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का क्रेज़ हो गया है। ना केवल सोशल मीडिया, बॉलीवुड के अलावा आप देखेंगे तो कोविड में जो वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म शुरू हुए, तो वर्चुअली में सिर्फ आदमी का चेहरा ही हम देखते थे, तो जो वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म शुरू हुआ उसके बाद ज़्यादा लोगों का रुझान हो गया है और इस चक्कर में वो ऐसी ऐसी जगह जाके सर्जरी करा लेते हैं और ऐसी ऐसी सर्जरी करा लेते हैं जिनकी उनको आवश्यकता भी नहीं होती है, जिससे उनको फ़ायदा भी नहीं होता। तो ये रुझान आजकल डेवलप हो गया प्लास्टिक सर्जरी का, इसमें लोग सही डॉक्टर चुने, सही प्रोसीजर चुने, ये हम चाहते हैं, ये हमारा एम है। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर लोग इस तरह से जाते हैं और धड़ल्ले से, चाहे बोटॉक्स की बात करें या फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की भी बात करें? देखिए, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट स्पेसिफिकली करें ना, ये इसका नंबर उस पर डिपेंड करता है कि कितने बाल लगाए हैं। तो कई बार लोग बाल का नंबर बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा बाल ले लेते हैं पीछे से कि वहीं पूरा एक स्किन का जो पैच है वो नेक्रोज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, और उस जगह फिर आपकी जो बोन होती है, स्कल बोन, वो दिखने लगती है। इसके अलावा अगर आपको जहाँ से कराया है वो जगह ठीक नहीं है तो इन्फेक्शन होना, खून जमा होना, लॉन्ग टाइम में हेयर का उसी जगह पर लॉस होना जहाँ से बाल लिए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ऐसे कई पेशेंट्स भी देखते हैं जो हमारे पास इन प्रॉब्लम्स के साथ फिर आते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे सेफ प्रोसेस क्या है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट दो तकनीक से किया जाता है। एक होता है FUT, जिसमें कि पूरा स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप मेथड लेते हैं और एक एक बाल काट कर उसको लगाते हैं। दूसरा होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन या FUE, जिसमें कि इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को निकाला जाता है। ये दोनों टेक्निक सेफ हैं, और इसके अलावा जो भी टेक्निक प्रैक्टिस किए जाते हैं, जो पुराने टेक्निक्स होते थे, स्टैम्प टेक्निक, वो सब अब रिडंडेंट है, मतलब कोई उनको नहीं करता है। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो सबसे ज़रूरी है कि जो करने वाला है हेयर ट्रांसप्लांट, आप ऐसा ना करें कि सिर्फ टेक्नीशियन को या फिर अनट्रेन्ड पर्सन के पास जाकर अगर वो कुछ कम पैसे में आपसे करना चाहता है तो उससे आप करवा लें, क्योंकि उसमें फिर नुकसान आपका ही होगा अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गया तो। तो सबसे पहले तो आप देखें जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड है, प्लास्टिक सर्जन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, या जो भी है स्पेशली क्वालिफाइड है कि नहीं है डिग्रीज के मामले में। और दूसरा, जहाँ उसको करना है वहाँ उसकी क्या टीम है, टीम में कितने मेम्बर्स हैं, क्या सर मेम्बर्स ट्रेंड हैं एक लेवल तक, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं।